प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आने वाले खास ये बदलाव आपको बता सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो, और आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनका पहला और दूसरा तिमाही कम्प्लीट हो चुका है, जो कि तीसरे तिमाही में एंटर किए हैं, यानी 7वें, 8वें, 9वें महीने में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये महीना इतना खास क्यों होता है, या फिर इस महीने में कौन कौन से बदलाव आपके शरीर में दिखते हैं, या इस महीने में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी का पहला और तीसरा तिमाही जो होता है वो बहुत ही खास होता है, साथ ही में आपके शरीर में बहुत सारे बदलावों को लेकर आता है, और आपको बार बार ये याद दिलाता है कि आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं। पहला तिमाही और तीसरा तिमाही ना काफ़ी खास इसलिए भी होता है क्योंकि यही वो टाइम होता है जब शरीर में एकदम से बहुत सारा बदलाव आता है, और आपको खुद पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है, खुद का, खुद के बच्चे का, खाने पीने का, रहन सहन, उठने बैठने, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। पहले तिमाही में हमें पता है कि एकदम कंसीव करते हैं तो शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहा होता है, प्लस हम खुद बदलाव अपने अंदर महसूस करते हैं, प्लस आपको प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, खाना ना पचना, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही में ये ध्यान देना पड़ता है कि कहीं मिसकैरेज ना हो, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का 3 महीना होता है ना, ये मिसकैरेज के चांसेस को बहुत हाई रिस्क पे रखता है, ठीक है। थोड़ी भी गलती होती है तो मिसकैरेज आसानी से हो जाता है। अब हम बात करें 9वें महीने का या फिर तीसरे तिमाही का, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपका वेट बढ़ा होता है, बेबी ग्रो कर रहा होता है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। ये ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी ऐसी गलती ना हो कि बेबी प्री मेच्योर हो, या फिर जल्दी डिलीवरी हो जाए, या बच्चे को किसी भी टाइप की कोई समस्या हो। तो इस वजह से पहला और तीसरा तिमाही जो होता है वो बहुत खास होता है किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए। ये टाइम काफ़ी कठिन भी होता है, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन सच में ये टाइम आते आते ना शरीर का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है, तो थोड़ा उठना बैठना, चलने फिरने में मुश्किल होती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। साथ ही में हम बात करेंगे वो कौन से बदलाव होते हैं जो कि अपने शरीर में आपको दिखेंगे और जो आपको मदद कर देंगे ये अनुमान लगाने में कि गर्भ में बेटा है या बेटी। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हो तो आपको आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी का जो सबसे पहला बदलाव होता है ना, वो होता है बेबी जो होता है वो हेड डाउन पोजिशन में आ जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम, जब बेबी जो है हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है तो अब डिलीवरी कब होगी। तो एक बात मैं पहले ही बता दूं, बेबी हेड डाउन पोजीशन में है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद बेबी कब होगा, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो आपके बॉडी पर डिपेंड करता है। कई बार होता है कि अर्ली 9 मंथ में ही आपकी डिलीवरी हो जाती है, कुछ लोगों का थोड़ा लेट होता है, कुछ लोगों को थोड़ी ही देर के पेन के बाद बेबी डिलीवर हो जाता है, कुछ लोगों को 2 से 3 दिन का भी पेन होता है। तो ये जस्ट डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर, बॉडी टू बॉडी ये वैरी करता है कि कितने दिन में डिलीवरी होगी। बेबी हेड डाउन हो गया तो फेक अलार्म का सामना आपको करना पड़ सकता है इस 9 मंथ के टाइम पे, या फिर आप कहो तीसरे तिमाही में, 7वें, 8वें, 9वें महीने में। कई बार ऐसा होता है कि फेक अलार्म्स होते हैं, फेक अलार्म्स का मतलब संकुचन होना शुरू हो जाता है, मीन्स लेबर पेन होता है, जैसे लेबर पेन जैसा ही होता है, बट ये लेबर पेन नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारा एडवाइस करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, नो डाउट दर्द होता है, लेकिन इस चीज़ को लेके आपको तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला सजेशन जो मेरी तरफ से आपको रहेगा वो यही है कि दर्द को लेके या किसी भी तरीके का तनाव अपने पास ना आने दीजिए। अगर आपने ज़्यादा टेंशन ले लिया ना, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को आप कम कर देते हैं। हम बात करते हैं कि डिलीवरी से रिलेटेड क्या तथ्य है या कौन सा संकेत होता है कि बेटा है या बेटी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर 9 मंथ लगते लगते या 9 मंथ एंड होते होते, यानी कि जल्दी अगर डिलीवरी होती है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वही माना जाता है कि अगर डिलीवरी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको लेबर पेन शुरू हो रहा है या 9 महीना पूरा हो चुका है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है, यानी कि लड़के थोड़ा जल्दी डिलीवर हो जाते हैं और लड़कियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं,
ऐसा माना जाता है, ये कोई 100% सटीक तरीका नहीं होता है, लेकिन ये एक मान्यता है। अब हम बात करेंगे दूसरे बदलाव की या दूसरे सुझाव की, तो वो होता है, देखिए इस महीने में यानी तीसरे तिमाही में या स्पेशली 9 मंथ अगर लग गया है तो आप बहुत ज़्यादा काम करने से बचिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की। देखिए ये जो महीना होता है ना, वैसे भी आप काफ़ी ज़्यादा थकान भरे रहेंगे, आपको चीज़ें थोड़ी सी आलस ज़्यादा रहेगी क्योंकि बॉडी काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर चुकी रहती है और उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ कि अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, अगर आपकी बॉडी को नीड है कि अब आप आराम कर लीजिए, तो कोशिश करिए आप आराम करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करेंगे उतना ही अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में अकेले हैं, अकेले ही आपको काम करना है, तो भी आप हस्बैंड से या घर का कोई मेल जो भी है जिससे आपकी थोड़ी सी भी बॉन्डिंग है, जिससे आप कह सकते हो, क्योंकि जो सिचुएशन है आपके उस टाइम पे कोई भी आपकी हेल्प कर देगा, तो आप उनसे थोड़ी मदद ले लीजिए। अगर आप उनसे मदद नहीं ले रहे हैं तो एक साथ सारा काम ख़त्म करने से अच्छा है आप उसको टुकड़ों में बांट लीजिए, एक काम किया, थोड़ी देर आराम किया, फिर आराम किया, फिर काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, काम भी आपका हो जाएगा और थोड़ा आराम भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शरीर पे फोर्स नहीं करना है, फोर्सफुली बहुत सारा काम नहीं करना है। इस बदलाव से रिलेटेड आप कैसे पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी? ऐसा माना जाता है कि 9 मंथ लगने के बाद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस या थकान नहीं रहता, अगर आपको घर सजाने का मन हो रहा है, आपको अपने बच्चे के लिए कुछ प्लान करना, कुछ प्रिपेयर करना, चीज़ें सजानी है, अच्छा लग रहा है काम को करना, आप थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको बहुत डल सा फील हो रहा है, आपको थकान भरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे तीसरे और बहुत ही खास सुझाव की, वो होता है कि 9 मंथ लगने के बाद या फिर 8वें 9वें महीने में आपको आगे की तरह झुकना बिल्कुल मना है। आप अगर आगे की तरफ झुक के कोई काम करती हैं, जैसे बकेट उठाना हुआ या फिर पोछा लगाना हुआ या आगे की तरफ झुक के कोई सामान उठाना हुआ, तो आप ये काम बिल्कुल ना करिए और पेट के बगल ना लेटिए। पीठ और कमर में इतना दर्द होता है ना, तो मन करता है पेट के साइड अगर सोंगे तो ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, बहुत मन होता है, लेकिन आपको ये भी नहीं करना है। और आपको आगे की तरफ झुकना भी नहीं है, झुक के कोई भी काम आपको नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है आपका प्री मेच्योर बेबी हो जाए, मतलब कि टाइम से पहले आपकी डिलीवरी हो जाए, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है। पेट के बगल भी नहीं सोना है और आपको पीठ के बगल भी नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप पीठ के बगल सीधे स्ट्रेट होके सोते हैं तो पहले तो पेट खींचेगा, दूसरी बात है आपकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके कमर में दर्द, पीठ में दर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ सकता है। तो इस टाइम पर सबसे अच्छा टाइम, मतलब ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप करवट लेके सोएं, दाएं या बाएं, जो भी आपको कंफर्टेबल है इस टाइम पे आप सो सकते हैं। तो करवट से मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, इससे हम कैसे पता कर सकते हैं, तो देखिए अगर आपको दाहिने करवट सो के ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप बाएं करवट ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे एक और सुझाव की, एक और सावधानी की, जो कि आपको अपने तीसरे तिमाही या 9वें महीने में बरतनी है, वो होता है कि भारी सामान ना उठाए। कोई भी भारी सामान आप ना उठाएं, आगे तो आपको झुकना ही नहीं है, प्लस भारी सामान भी उठाने की कोशिश मत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी डिलीवरी टाइम से पहले हो सकती है, जो कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सुझाव मेरी तरफ से है कि अगर आपके शरीर में आपको कोई भी अंतर दिखे, कोई भी बदलाव दिख रहा है, जो कि आपको लगे कि ये थोड़ा अलग है या ये मेरी बॉडी को अनकम्फर्टेबल कर रहा है, तो आपको बिल्कुल देर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। साथ ही में आप कोशिश करिए 10 से 15 दिन पहले या 9वां महीना अगर लग गया है तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए, हॉस्पिटल से में जो भी ज़रूरत होगी हॉस्पिटल बैग जो है वो कम्प्लीटली पैक करके रख लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 9वां महीना ख़त्म होने के बाद या लास्ट में ही बेबी हो। कई बार होता है कि 9 मंथ लगते लगते भी मतलब डिलीवरी हो जाती है, या फिर मिड में या लास्ट में, तो हम किसी भी चीज़ का वेट क्यों करें, हम प्री प्लान
प्लान कर लेते हैं। तो आपको बैग पैक कर लेना है, बैग में क्या क्या रखना है इससे रिलेटेड एक वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना बैग पैक कर सकते हैं। तो ये सारी सावधानियाँ आपको बरतनी है और ये सारे लक्षण बदलाव हैं जो कि आपको अपने शरीर में 9वें महीने में या फिर 3री तिमाही में ज़रूर ज़रूर दिख जाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।